प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। प्राण प्रतिष्ठा की का ये मुहूर्त श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ वाराणसी, इन्होंने काशी अयोध्या के अनेक लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से नमन करते हैं। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, ये दोनों अपने अपने विषय के मूर्धन्य लोग हैं। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं, पत्थर की है। हमारे अनुमान से ₹150 किलो से ₹200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप, ₹18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, घृत, ऐसे अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। इसको पूजा पद्धति की भाषा में अधिवास कहते हैं। सामान्य रूप से ये बड़ी कठिन, सब आदमी इसको कर नहीं सकते इतने दिन, तो प्रचलन है जलवास, अन्नवास और शैयावास। शैया का अर्थ आप समझते ही, शैयावास। ये सभी अन्नवास, जलवास, अन्नवास, शैयावास, लेकिन बहुत कठोर कर्मी कोई हो, आज इस कलयुग में तो शायद कठिन ही होगा, तो घृतवास, औषधिवास, फलवास, सुगंधवास,
ये तमाम प्रकार की बातें हैं। सभी विद्वानों ने कहा आज के समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, करेंगे। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति, जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र तटवासी, द्वीपवासी, जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, खेल, वैज्ञानिक, सैनिक, प्रशासन, पुलिस, राजदूत, न्यायपालिका, लेखक, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, मैं अगर ये कहूं आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं उसके श्रेष्ठ जन आमंत्रित किए गए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं सब लोग आएंगे। पद्मश्री प्राप्त राम जन्मभूमि के लिए ही जिनके जीवन का उत्सर्ग हुआ, उनके परिवारों के आज कुछ जीवित, मंदिर को निर्माण करने वाले दो लोग हैं, लार्सन टुब्रो आप जानते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट लार्सन टुब्रो के समकक्ष टाटा, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स TCE, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी टोली है जिसको आप वेंडर, सब कॉन्ट्रैक्टर कोई नाम दे सकते हैं। इनका सिलेक्शन लार्सन टुब्रो और टाटा ने मिलकर किया है। हर एक ने छोटे छोटे काम अपने जिम्मे लिए, सबका कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन लार्सन टुब्रो और टाटा ने किया। ऐसे सब के रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स, ये भी एक बड़ी संख्या में साक्षी बनेंगे। मैं मानता हूं ये संख्या लगभग 500 रहेगी। इंजीनियरिंग ग्रुप, इसका नाम दिया जा सकता है इंजीनियरिंग ग्रुप। साधु संतों में सारा भारत, सभी भाषा भाषी,
शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा, शाक्त शक्ति के उपासक, गणपति की उपासना करने वाले, सिख, बौद्ध, जैन, छह दर्शन है, सभी दर्शन कबीरपंथी, वाल्मीकि, आसाम से शंकर देव की परंपरा, स्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, उड़ीसा का महिमा समाज, पंजाब के अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधास्वामी और स्वामीनारायण, स्वामीनारायण का मतलब गुजरात, जिनके प्रवर्तक छपिया में पैदा हुए, महाराष्ट्र का वारकरी, कर्नाटक का वीर शैव, लिंगायत, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन। नृत्यगोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। इस कार्य में संभवतः 65 से 75 मिनट का समय लग सकता है। मानसरोवर, अमरनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज का संगम तट, नर्मदा, गोदावरी, नासिक, गोकर्ण कर्नाटक का, तो वहां समुद्र है, अनेक स्थानों का जल आया है। तमाम लोग श्रद्धा पूर्वक अपने अपने स्थानों का जल और रज यहां ला रहे हैं। सामान्य परंपरा है हमारे आपके सबके घर की, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष को विवाह के बाद भेंट देते हैं। अभी तो बालक है 5 साल का, लेकिन परंपरा तो परंपरा ही ठहरी। तो नेपाल का, दक्षिणी नेपाल का जनकपुर, वीरपुर, वीरगंज, ये मिथिला से जुड़ा हुआ क्षेत्र, 1000 टोकरों में भार, भार मतलब भेंट लेकर आया। अन्न है, फल है, वस्त्र है, मेवे हैं, सोना चांदी भी है। उसके बाद सीतामढ़ी के क्षेत्र के लोग आए, वो भी मिथिला है,
जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ वहां एक पवित्र स्थान है, वहां से लोग आए। राम जी की ननिहाल मानी जाती है छत्तीसगढ़, वहां से लोग भार लेकर आए और ये क्रम निरंतर चल रहा है। ये समाज की उमंग और उत्साह आप सबके ध्यान में आ रहा होगा। एक साधु बैलगाड़ियों पर घी लेकर आए अपनी गौशाला का जोधपुर से। ये निरंतर कुछ ना कुछ हो रहा है। इक्कीस जनवरी को विचार चल रहा है, दर्शन बंद रहेंगे, भगवान का दर्शन पूजन आरती भोग शयन और जागरण पुजारी कराएंगे और अंदर जितने लोग रहते हैं वो उसमें उपस्थित रहेंगे। समाज आज जो 30,000 तक 25 से 30,000 दर्शकगण श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं वो 20 और 21 को हम बंद करने का विचार कर रहे हैं ताकि अंदर की व्यवस्थाओं में हमें सरलता हो सके। 8,000 तक कुर्सियां अंदर हम लगाएंगे। सारा समाज 22 जनवरी को क्या करेगा इसको मैंने अनेक बार निवेदन किया है। एक निवेदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अन्य सब ने, स्वयं मैंने भी यथासंभव कहा अपने अपने मंदिरों में सफाई। आज 15 तारीख है तो अभी एक सप्ताह बाकी है। अपने अपने मंदिरों में स्वच्छता, मंदिर छोटा और बड़ा दोनों ही देवता के घर हैं, सब में भजन पूजन कीर्तन टेलीविजन या एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रतिष्ठा के अयोध्या आयोजन को अपने मंदिर के पास पड़ोस के समाज को दिखाना। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात शंख बजाओ, शंख ध्वनि शुभ ध्वनि है, शंख ध्वनि करो, प्रसाद वितरण। प्रसाद क्या बता इससे अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद जाए। हमारे आयोजन मंदिर केंद्रित होने चाहिए। सायंकाल अयोध्या में सूर्यास्त 5:47 पर संभव हो जाएगा तो 6 बजे के पश्चात अपने घर का जो सबसे बाहरी दरवाजा है वहां पर दीपक, 5 दीपक अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय की संतुष्टि और आनंद को प्रकट करने के लिए जलाओ। उछल कूद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण दीप जलाना। राम संपूर्ण भारत के, सब राम जी के, ये दृश्य संसार के सामने जाए।
जब सभी प्रवेश करने लगेंगे, हमने भारतवर्ष में जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा ऐसे गायन नहीं वादन, उत्तर प्रदेश का पखावज, बांसुरी, ढोलक, मैं कागज तो दिए जाएंगे सबको, कर्नाटक का वीणा, महाराष्ट्र का सुंदरी, पंजाब का अलगोजा, उड़ीसा का मर्दल, मध्य प्रदेश का संतूर, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, बिहार में भी पखावज है, दिल्ली की शहनाई, राजस्थान का रावण हत्था, बंगाल का श्रीखोल सरोद, आंध्र का घटम, झारखंड का सितार, गुजरात का संतार, तमिलनाडु का नागस्वर, मृदंग और उत्तराखंड का हुड़का, ऐसे वाद्य यंत्रों का वादन करने वाले अच्छे से अच्छे वादकों का चयन किया गया है और ये बहुत ही स्वीट सॉफ्ट स्वर में वादन करेंगे। ये वादन ऐसे समय में चलेगा जब प्राण प्रतिष्ठा का मंत्रोच्चार और देश के नेतृत्व का उद्बोधन नहीं हो रहा होगा। बड़ी महत्व की बात है, ऐसे श्रेष्ठ लोग यहां स्वयं प्रेरणा से आए, नाम का चयन किया गया है, निवेदन किया गया है, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार कर दिया, इसका भी अर्थ आप समझते हैं, वादक कलाकार जब आते हैं तो कुछ उनकी भेंट होती है, ये सब ऐच्छिक है। सारे परिसर की सज्जा की जाएगी, रात्रि को आप लोग देख सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाने के बाद अथवा 2:30 ढाई बजे के पश्चात, कोई 2-4-5 मिनट का अंतर आएगा, अंदर परिसर में बैठे हुए संत महापुरुष, आमंत्रित सज्जन वृंद दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रातःकाल 10:30 सबको प्रवेश करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बहुत पहले और वापस जाने में हो सकता है शाम को 5 बज जाए, दर्शन आदि करने में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 6 भी बज सकते हैं 7 भी बज सकते हैं। इतनी लंबी अवधि तक अंदर बैठना तो जलपान और भोजन, जलपान शब्द की बजाय अल्पाहार, अल्पाहार भोजन, ये दो व्यवस्थाएं दोनों रहेंगी। पानी, लघु शंका, यूरिनल के प्लेसेस, जूता कहां रखेंगे, इस सब का विचार और व्यवस्था की जा रही है।
अंदर से बाहर आना, बाहर से अंदर जाना, अंदर ही उन्हें कुछ पौष्टिक, किसी को कोई शरीर की असुविधा ना हो जाए, इसका विचार करते हुए ये सब योजना बनाई गई है। ऐसा लगता है कि केवल 22 तारीख को ही 25 से भी अधिक चार्टर्ड प्लेन आने वाले हैं। संभवतः 18, 19, 20, 21 का भी विचार कर ले तो शायद अपने विशेष यान या हेलीकॉप्टर से आने वालों की संख्या 100 हो सकती है। महर्षि वाल्मीकि हवाई पट्टी हवाई अड्डे के अधिकारियों से निवेदन किए गए हैं और वो इस संबंध में अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील है। अभी नया नया हवाई अड्डा चला है, इस कठिनाई को भी सारा देश जरूर समझेगा। छब्बीस तारीख से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनके कार्यकर्ताओं की तिथियां निर्धारित की गई हैं। संघ परिवार, विचार परिवार, और ये कार्यकर्ता उन्हीं तिथियों के अनुसार आएंगे। सामान्यतया प्रतिदिन 4,500 से 5,000 तक एक दिन रुकेंगे, वापस जाने का निवेदन किया जाएगा। ये योजना फरवरी के अंत तक ही चलेगी, हो सकता है 23 या 24 फरवरी तक ये सब पूरा हो जाएगा। जिन लोगों को निमंत्रित किया गया है उनको ठहरने के लिए कार सेवकपुरम मणिराम दास जी की छावनी का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और मणि पर्वत के बगल, हमने उसको नाम दिया है तीर्थ क्षेत्र पुरम, पुर माने नगर, वहां पर की गई है। कुछ आश्रमों में, धर्मशालाओं में व्यक्तिगत होम स्टे, वहां भी कमरे लिए गए हैं। अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा सके इसका प्रयास चल रहा है। हांगकांग की एक टीम आ रही है, अमेरिका से भी एक टोली आ रही है, लेकिन हमने दुनिया के 50 देशों से एक एक व्यक्ति का चयन करने का निवेदन किया था, वो आया है। एक देश एक रिप्रेजेंटेटिव संस्था का, संगठन का, ऐसे 50 देशों के 53 लोग ये भी आ रहे हैं। अब 50 देश कौन कौन से होंगे, इसमें अफ्रीका भी होगा, अरब खाड़ी के देश भी हो सकेंगे, सब होगा 50। प्रयास रहेगा जो व्यक्ति जिस दिन आ गया उसी दिन वो दर्शन करके घर वापस जा सके। रात्रि